तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा एंड सौरव वर्ल्ड। तो अभी क्या हुआ है कि मैं 2-3 दिन के लिए ऑफिस के लिए स्टॉप ओवर के लिए यूके में हूँ, तो सोचा है कि एक आईफोन उठा ही लेते हैं इंडिया जाने से पहले, क्योंकि रिचा ने जिद कर दी, शुरू कर दिया कि नया आईफोन आ गया तो लेना है। और रिचा का ब्रदर जो हमारे सारे से प्रिंस माधव जी, वो भी बोल रहे हैं कि आईफोन लेते ही आना। तो अभी 2-3 दिन के लिए ऑफिस के काम के लिए हूँ, पर फिर भी आईफोन उठा के जाना पड़ रहा है। चले विकास, तो मैं फ्रेंड के साथ हूँ, बस आईफोन पिक करने जा रहा हूँ। तो यार लंदन में ठंड हो गई है, मतलब शाम के 5 बज के बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है, समर्स ख़त्म ही होने वाले, लास्ट क्या बोलते हैं 10-15 दिन बचे हैं। नहीं तो समर्स में तो 10-10 बजे तक भी अंधेरा होता था, अभी 6 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो बस अभी जा रहे हैं, रास्ते में 1-1.5 घंटा लगेगा दूर एप्पल स्टोर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सेलेक्टिव स्टोर्स में ही आईफोन मिल रहा है, अभी सबके ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी प्री बुक कराया हुआ है और जाके पिक करने जा, बहुत दिनों के बाद अपनी गाड़ी चलाने वाला हूँ। 2 महीने के बाद इसको हाथ लगाने वाले हैं, देखो शायद हवा भी भरनी पड़े टायरों की, थोड़ी कम तो होगी, कोई बात नहीं चला लेंगे। पहले जाके तेल भरवाना है, हवा भरानी है, और फिर एप्पल स्टोर भी जाना है। एप्पल स्टोर भी मैं सेंट्रल लंदन में जाने वाला हूँ, जो कि एक मॉल के अंदर है, तो मॉल को भी देख सकते हैं अगर कैसा है वहाँ पर दिखता है, क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ वो वाले मॉल में, क्योंकि वो ना सेंट्रल लंदन, वो साउथ ऑफ लंदन है, तो अभी तक उस एरिया में हम लोग भी नहीं गए, मैं और रिचा भी नहीं गए हैं। तो अभी बस मॉल में जा रहे हैं, गाड़ी पार्क करके यहाँ से पूरा क्रॉस करके अभी जा रहे हैं मॉल में। ओके, थक गए, भाग भाग के बहुत आए हैं। तो अभी एप्पल स्टोर के अंदर आए हुए हैं फ़ोन पिकअप करने के लिए, और यहाँ पर जितने वर्जन्स हैं, प्रो मैक्स, प्रो 16 प्लस, और ये है 16। नहीं, दो दो आईफोन साथ में आ गए हैं, एक रिचा के लिए, एक रिचा के भाई के लिए, घर आके चाहिए ही चाहिए था भैया, ये देखो। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ पर, कुछ शॉपिंग करते हैं एंड देन इसके बारे में पूरे फीचर्स बताते हैं। दिस इज़ ब्रेंटॉल स्टोर है, मॉल है, जो कि बहुत अच्छा है, किंगस्टन अपॉन थेम्स के आसपास है, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह पे है। बट अभी क्या हो रहा है कि शाम के 7 बजे पिकअप कर लिए हैं, तो लेट्स गो, थोड़ा खाने पीने का भी जुगाड़ करते हैं एंड फिर उसके बाद घर जाके इसके बारे में फीचर्स, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो भैया पैसे बहुत है, फालतू के पैसे खर्च कर रहे हैं, बट एनीवेज एप्पल एप्पल एप्पल। सौरभ इज बैक इन इंडिया अगेन, जैसा कि आपने देखा कि वो लंदन में था और उसने वहां से फोन भी खरीदा है, एक्चुअली 2 फोन लिए हैं उसने, जो कि है आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो ये मेरे लिए नहीं है, ये एक्चुअली मैंने अभी अभी नया फोन लिया था दोहा में, जब मैं गई थी 3-4 महीने पहले, तो मैं वापस से फोन नहीं लिया सकती थी। तो जिसके लिए भी है वो उसको हम दे देंगे। जैसे दो फोन आए मेरे ब्रदर ने मंगवाया था। और अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईफोन 16 प्रो मैक्स का प्राइसिंग क्या है, लेने का जो फीचर्स है वो क्या है, लेने का कोई फायदा है कि नहीं, कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं। एंड डेफिनेटली सौरभ स्पेशली लंदन से लेके आया है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे सस्ता मिल रहा होगा, इसलिए लेके आया है। तो लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स एंड इट्स बेनिफिट्स की एज ए यूट्यूबर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स, हम लोगों को तो आईफोन का काफी फायदा रहता है, बिकॉज इट्स इजी टू शूट ऑल द वीडियोस, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, चाहे वो यूट्यूब में हो। हमने लिया है डेजर्ट टाइटेनियम, 4 नए कलर्स में लॉन्च हुआ है, तो बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। मेरे को लगता है अभी तक सबसे बेस्ट कलर तो यही है, इसलिए हमने भी ये चूज़ किया है। ऐसा नहीं कि बाकी ख़राब है, पर अपना पर्सनल चॉइस है, ठीक है। अगर मैं आईफोन की बात करूँ, 6.9 इंच का स्क्रीन साइज़ है, बहुत अच्छा प्यारा साइज़ है, हैंडी है पकड़ने के लिए भी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कैमरे के बारे में, तो इसमें क्या है, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि अब शूट करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो 120 फ्रेम पर सेकेंड में 4K वीडियो शॉट हो सकती है, जो कि पुराने मॉडल्स में, इवन प्रो में भी क्या था कि आपका 4K वीडियो शूट होती है पर 60 फ्रेम पर सेकंड में, अब इसने 120 फ्रेम पर सेकंड में लॉन्च कर दिया है। तो वीडियो के लिए भी बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड अगर वीडियो शूट करना चाहते हो तो आपको मिलेगी क्लैरिटी, तो पूछो ही मत। और क्योंकि जूम कर सकता है, 5x तो नॉर्मल जूम है,
अगर यहाँ, अच्छा इसके लिए भी कैमरे के लिए भी एक नया बटन दिया है यहाँ पर, ये कैमरा बटन, ठीक है। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये देखो कैमरा खुल गया है। और अगर इसका एक फीचर दिखाता हूँ कैमरे बटन का, यहीं से मैं जूम भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ से ही इसको पूरा जूम कंट्रोल कर सकते हैं, 20 टाइम जूम, 25 टाइम जूम, आप सारा क्रिया यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले आपको ऐसे करना पड़ता था, अब यहाँ से भी इसको हल्का सा स्लाइड करके ये कैमरे को जूम और इसको वीडियोस के लिए यूज किया जा सकता है। चलो अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। इसमें है A18 प्रो प्रोसेसर, बहुत ही अल्ट्रा फास्ट प्रोसेसर है। पहले से कह रहे हैं कि ऑलरेडी 3-4 टाइम ज़्यादा फास्ट हो सकता है पिछले मॉडल से। देखो हमने टेस्ट नहीं किया है, हम तो बोल रहे हैं कि एप्पल ने जो अपने क्लेम्स किए हैं उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि दिस इज़ फास्टर देन द प्रीवियस प्रोसेसर, उसके लिए। और ये प्रोसेसर इतना फास्ट क्या करना है कि एक तो वीडियो की पूरी रेंडरिंग ये सब करने के लिए काम आएगा। इसमें एप्पल इंटेलिजेंस एंड ऑफ दिस ईयर भी लॉन्च करने वाला है, जो कि स्टार्टिंग के लिए आई थिंक फेस पे तो USA में ही लॉन्च करेंगे, बट पूरे वर्ल्ड वाइड इसको रोल आउट करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि एप्पल ये जो 16 है इसी से ही सबसे पहले मार्केट में एप्पल इंटेलिजेंस आएगा। देन डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रोल आउट करेंगे बाकी फोन्स मॉडल में। पता नहीं एप्पल आईफोन 15 में लॉन्च करेंगे कि नहीं करेंगे, वो मुझे अभी तक पता नहीं है। okay, तो नेक्स्ट थिंग है जो कि इसमें बोला गया है कि इसकी बैटरी है 33 आवर्स का प्लेबैक है। अभी तक किसी भी आईफोन का सबसे ज़्यादा प्लेबैक इस फोन के अंदर है, तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की हैं कि अब बैटरी लाइफ ज़्यादा है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो यार देखो मेरे को प्राइसेस 4 कंट्रीज का पता है। USA में सबसे सस्ता है, वहाँ पर है प्रो मैक्स $1200। अगर मैं उसको इंडियन करेंसी में चेंज करूँ तो ₹1,00,000 में आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है दुबई में, वहाँ पर है 5029 AD, मैं लोवेस्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ जो कि है 256 GB की, ठीक है। वो है 5029 AD जो कि बनता है 1,16,000 1,17,000 आपके हाथ में आपको मिल जाएगा। देन बात करते हैं UK में, जहाँ से मैं ये लेके आया हूँ, वहाँ पर है 1200 GBP, जिसको मैं करेंसी कन्वर्ट करूँगा तो 1,33,000 1,35,000 कुछ ऐसे रेट पे आपको मिल जाएगा। और इंडिया में डेफिनेटली यार सबसे महंगा है 1,45,000 का, तो इंडिया में सबसे महंगा तो है ही है। बट हाँ, अगर आप मार्केट में कुछ ट्राई करो, कुछ क्रेडिट कार्ड्स आपको ना कुछ कैशबैक भी देते हैं, और अगर कोई फ्लिपकार्ट सेल या कोई अमेजोन सेल आए तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो, यू कैन गेट 4,000-5,000 rupees का डिस्काउंट आप ले सकते हो अगर आपको मिले। लेकिन इसका क्वेश्चन पता है क्या था दिमाग में, ये लेना वर्थ है भी है कि नहीं? तो अगर तो आप कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, अगर आप वीडियोस का बहुत शौकीन है, आप कैमरेज का बहुत शौकीन है, फोटोज का बहुत शौकीन है, उस केस पे तो डेफिनेटली वर्थ है, बिकॉज आपकी पिक्चर क्वालिटी आपकी वीडियो क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। आप जैसे बोलते हैं पहले DSLR कैमराज और वीडियो कैमरा फ्रंट होते थे, तो सारे फीचर्स इसके अंदर है। तो अगर आप वीडियोग्राफर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो ये तो डेफिनेटली फुल वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन 15 है, ठीक है, और अगर आप वीडियोस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आई थिंक आपको नेक्स्ट मॉडल के लिए वेट करना चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं है जिनके, अगर जैसे मुझे पता लगता है मेरी वीडियो क्वालिटी चेंज होती है, मैं 60 फ्रेम सेकंड से 120 फ्रेम पर सेकंड में जाऊँगा, मुझे पता है जो डिटेलिंग आई वीडियो में वो पुराने मॉडल्स में नहीं आई। लेट्स टॉक अबाउट द केबल चार्जिंग। तो बॉक्स में और आपको क्या क्या मिलता है, एक तो ये केबल है और एक ये पिन है जो कि सिम चेंज, ये कौन सी पिन है, पिन कह रही हो, ये कौन सी, अच्छा वही वाली सेम ही है, टाइप सी केबल है जो कि स्टैंडर्ड है, पूरे वर्ल्ड में आपको यही केबल्स लेनी है। तो ये वाले एक इसका केबल भी है साथ में, जो कि फास्ट चार्जिंग करता है नॉर्मल वायर्स। सौरभ इज बैक आफ्टर हिज वर्क ट्रिप, क्योंकि ये पीछे 4 वीक से वर्क ट्रिप पे था, बीच में लंदन भी गया था, तो अभी इसने फोन भी ले लिया वहां से। अभी हमारा प्लान ये है कि अभी हम 10-15 डेज फिर से इंडिया में है, करेक्ट, और यहाँ पे पूरा फेस्टिवल सीजन सेलिब्रेट करने वाले हैं, जैसे कि करवा चौथ हो गया, धनतेरस, दिवाली और भाई दूज, और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं प्रॉपरली लंदन वापिस, ताकि वहां क्रिसमस भी देख सके और यार अपने ऑफिस का काम भी करना है, ऑफिस का काम भी, तो हमें मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं। तो डेफिनेटली वी विल बी कमिंग बैक आफ्टर दिवाली, सो स्टे ट्यून फॉर अवर फेस्टिव कंटेंट इन इंडिया। एंड अगर यूके कंटेंट, यस, एंड अगर आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स के बारे में या 16 सीरीज के बारे में कोई भी और क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, रिच एंड सौरभ, बाय।